नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रमोद सावंत ने ली दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ। शाह की घोषणा, चंडीगढ़ में लागू होंगे केंद्रीय सिविल सर्विस रूल्स, 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे कर्मचारी। दो साल बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल, 40 देशों की 60 एयरलाइंस को मिली 1783 उड़ानों के संचालन की मंजूरी। असम में फिर गरमाए गए एनआरसी का मुद्दा, मुख्यमंत्री शर्मा ने नए एनआरसी की रखी मांग। युद्ध के 33वें दिन आज फिर होगी रूस यूक्रेन के बीच वार्ता, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई शांति की उम्मीद। केरल बंगाल में दिखा भारत बंद का सबसे बड़ा असर, दिल्ली में बैंक दिखे सुनसान। दुबई एक्सपो में करीब 17 लाख लोगों ने इंडिया पवेलियन का किया दौरा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बयान। बिजली वन क्षेत्रों के कर्मचारियों की 2 दिवसीय देश व्यापार हड़ताल, 24 घंटे पावर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हुई अलर्ट। वाहनों की फिटनेस जांच से जुड़े नियमों में बदलाव होगा, सरकार ने रखा यह प्रस्ताव। एक मई से लागू हो सकता है भारत यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं भगवान राम, विश्वव्यापी है राम कथा की लोकप्रियता। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को चेताया, कहा मनमाने कोर्स की डिग्री होगी अमान्य। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए गठित हो एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सीएपीएफ जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 दिन की वार्षिक छुट्टी योजना की जल्द घोषणा कर सकता है गृह मंत्रालय। टीएमसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर संसद में चर्चा कराने की मांग। कुशीनगर में भाजपा की जीत पर मिठाई बांट रहे बाबर की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त, जांच के दिए आदेश। पहली बार विधायक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली विधानसभा के सदस्य के पद की शपथ। गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने प्रधान प्रतिनिधि के सीने में मारी गोली, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। लखनऊ में पार्क और स्मारकों को की स्थिति खराब, एलडीए ने इतने अधिकारियों को दिया औचक निरीक्षण के आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में किया बड़ा बदलाव, भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाकर बनाया।
अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। अवैध निर्माण के मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी, बांदा से कड़ी सुरक्षा में लाया गया लखनऊ। मेरठ में रंजुशन युवक की गोली मारकर हत्या, 13 के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। मुरादाबाद में अवैध तरीके से बेचे जा रहे ट्रेन के टिकट, आरपीएफ ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में राशन डीलर हत्याकांड में फरार आरोपितों पर इनाम घोषित। बैंकों में 2 दिन की हड़ताल शुरू, वेस्ट यूपी में ऐसा दिख रहा असर। आगरा में हीट स्ट्रोक का खतरा, 5 साल में सबसे ज्यादा गर्म ये मार्च, घर से बाहर निकलते में बरते सावधानियां। आदिपुर से रेल पटरी उखाड़ते 2 व्यक्ति गिरफ्तार, आरपीएफ की तत्परता से बिहार तक फैला साम्राज्य उजागर। कोटा के पहले प्रत्यक्ष चुनाव में डॉक्टर पंकज बनी अध्यक्ष, आधी रात के बाद घोषित हुए परिणाम। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, लखनऊ में बिजली विभाग के 6 अधिशासी अभियंता होंगे निलंबित। लखनऊ में बोले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, कहा सोलर के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है। मौसम विभाग का अलर्ट, 31 मार्च तक लू और धूल भरी हवा की चेतावनी। अमेठी में संदिग्ध अवस्था में प्रेमिका के घर के सामने मिला विवाहित युवक का शव, प्रेमिका के घर वाले फरार। हाथों में होगी यूपी भाजपा संगठन की कमान, ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना। वाराणसी में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार, डीजल पर भी महंगाई की छाया। आजमगढ़ में गुड्डू जमाले फिर हाथी पर हुए सवार, कहा संसदीय चुनाव लड़ने की मिली हरी झंडी। अलीगढ़ में घर पर काम कर रहा महिला के पास गिरा बम, गंभीर रूप से घायल हुई महिला। अलीगढ़ में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को रौंदा, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। अलीगढ़ में एएमयू में वीसी लॉज पर लिखे विवादित स्लोगन, सोशल मीडिया पर वायरल हुए फोटो। में अचानक आए जानवर को बचाने में हुआ हादसा, कार से टकराई बाइक। अयोध्या में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, सपा विधायक अभय सिंह का बड़ा बयान, बिना सपा समर्थन के नहीं बन सकती केंद्र में सरकार।
फरीदाबाद में मनोहर लाल खट्टर की चेतावनी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में क्षत्रिय महासभा के होली मिलन समारोह का आयोजन, समारोह के दौरान क्षत्रिय महासभा का बड़ा ऐलान। कुशीनगर में मुस्लिम युवक को गवानी पड़ी जान, भाजपा का प्रचार करने पर हुई हत्या। लखीमपुर खीरी में वृद्ध बना बार का शिकार, मवेशी चराने गया था वृद्ध। सीतापुर में रफ्तार ने बरपाया कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। उत्तराखंड में भगवानपुर में गत्ता फैक्ट्री तो उत्तरकाशी में एक आवासीय भवन में लगी आग, लाख का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं, धधक रहे जंगल, वन संपदा को पहुंची भारी नुकसान। मुख्यमंत्री धामी ने दिए संकेत, मंत्रियों को एक दो दिन में आवंटित हो सकते हैं विभाग। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के सदस्य पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हराने के प्रयास में लगे थे कांग्रेस के ही नेता। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा में रचा गया एक और इतिहास, 22 साल में पहली बार हुआ ऐसा, नारी शक्ति ने संभाला कार्यभार। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता, खुलने वाले हैं कपाट, लेकिन अभी भी केदारनाथ धाम में जमी 6 फीट बर्फ। हरिद्वार पथरी क्षेत्र के 4 गांवों में हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक, रौंद डाली गन्ने की फसल। लावर बाघ अब भी लापता, तलाश में बीमार हो गई गोमती हथिनी, वापस भेजी गई कॉर्बेट। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए जीबी पंत वीवी ने बनाई खास तकनीक। ताल में कॉपी किताबों के साथ स्टेशनरी पर भी महंगाई की मार, 40% तक बढ़ गया दाम। पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार, पत्नी की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। लगातार चढ़ते पारे से उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की खपत, लगा महंगाई का करंट, अब जनता को झेलनी होगी परेशानी। भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक, 19 मार्च को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में बनाई जाएगी रणनीति। उत्तराखंड में 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में परीक्षा शुरू, 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के दीदार को पहुंचे बिग बी, झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। देशों में तेजी से फैल रहा कोरोना, इजराइल के पीएम व बाइडेन की प्रवक्ता हुई कोरोना पॉजिटिव।
श्रीलंका के वित्त मंत्री से मिले जयशंकर ने ब्रहुड फर्स्ट नीति के तहत आर्थिक बदहाली के साथ देने की कही बात। विपक्ष पर बरसे इमरान खान, कहा चाहे मेरी जान या सरकार चली जाए, भ्रष्ट नेताओं को नहीं छोड़ूंगा, तीन चूहों ने लूटा देश। रूस का लवीव में क्रूज मिसाइलों से भीषण हमला, जेलेंस्की ने पश्चिमी से लगाई गुहार, हमें चाहिए टैंक, विमान और मिसाइल। पोलैंड में बाइडेन के भाषण से पैदा हुई गलतफहमी को अमेरिका विदेश मंत्री ने किया दूर। यूक्रेन रूस के शांति समझौता के रूप में एक निष्पक्ष स्थिति अपनाने पर चर्चा करने के लिए तैयार, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बयान। अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक को लेकर यूएनएससी ने जताई चिंता की, स्कूल खोलने की उठाई मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को ललकारा, कहा नाटो की सीमा में एक भी इंच घुसे तो खैर नहीं। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेत कोरोना से संक्रमित, अगले हफ्ते करने वाले हैं भारत का दौरा। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, इमरान खान के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। हवा से बातें करने वालों के लिए खुशखबरी, भारत में जल्द लॉन्च होगी ट्रंप टाइगर स्पोर्ट्स 660। महंगे क्रूड ऑयल की कीमत जनता को ही चुकानी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मुश्किल। गोयल का बड़ा बयान, 1 मई से लागू हो सकता है भारत यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हुंडई मचाएगी धमाल, इस साल लॉन्च करेगी 4 SUV। IRCTC लाया शानदार पैकेज, पैकेज में मिलेंगी खास सुविधाएं। आईनॉक्स और PVR के शेयरों में तगड़ा उछाल, 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे। घटिया प्रेशर कुकर बेचने वालों की खैर नहीं, 2 ई कॉमर्स कंपनियों पर लगा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बचत योजना के नियम। चार्ज होंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इजरायली XFO बैटरी तकनीक से होगा यह कमाल। बाजार खुलते ही मुनाफा वसूली पर टूट पड़े निवेशक, सेंसेक्स निफ्टी बड़ी गिरावट की ओर। विराट कोहली ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया के तूफानी ओपनर का रिकॉर्ड, 41 रन की तेज पारी, किससे किया कमाल। वेस्टइंडीज की जीत का रिकॉर्ड बरकरार, इंग्लैंड को फिर मिली सीरीज में हार।
आईपीएल के 15वें सीजन में एक और स्टार की वापसी, दिल्ली की जीत का बना हीरो। रोहित शर्मा को लगा दोहरा झटका, दिल्ली से मिली हार के बाद 12 लाख का फाइनल। ईशान किशन हुए चोटिल, 81 रन की नाबादी, पारी खेलने के बाद विकेट कीपिंग करने नहीं उतरे। धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ने के बारे में कब कर लिया था फैसला, कोच फ्लेमिंग ने किया खुलासा। समेत आरसीबी का कोई कप्तान नहीं कर पाया था जो काम, फाफ डुप्लेसी ने बना डाले वो रिकॉर्ड। पंजाब किंग्स के खिलाफ मोहम्मद सिराज बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वीडियो हुआ वायरल। विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह को किया नजरअंदाज, आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी ने बताया किस्सा। स्विस ओपन जीत कर सिंधु ने रचा इतिहास, फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को सीधे सीटों में 21। कोडा ने जीता बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का खिताब। विकी कौशल और कैटरीना कैफ का एयरपोर्ट पर दिखा रोमांटिक अवतार, इस कुछ इस तरह नजर आए कपल्स। सौ करोड़ के करीब आरआरआर, इन फिल्मों को पछाड़ बनी वर्ल्ड की नंबर वन। समर लुक में खेसारी लाल की एक्ट्रेस ने किलर लुक में बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, कातिल अदाओं से मचाई खलबली। जामवाल शेर सिंह राणा की बायोपिक पर करेंगे काम, श्री नारायण सिंह कर रहे डायरेक्ट। रिलीज के 13वें दिन 200 करोड़ क्लब में शामिल, सबसे कम दिनों में 200 करोड़ क्लब में पहुंची कई बॉलीवुड की फिल्में। आलिया भट्ट ने आरआरआर को स्टारर, रामचरण को किया बर्थडे विश, डबल सेलिब्रेशन को लेकर कही यह बात। मान्यता दत्त ने शेयर की अधीरा के फिजिकल ट्रेनिंग की झलक, कहा मुझे विश्वास है तुम फिर दहाड़ो। रोहतगी का बड़ा खुलासा, काले जादू के सहारे बनाना चाहती थी करियर, संग्राम सिंह पर भी किया वशीकरण। नेपाल के पोखरा में हुई त्रिशाकर मधु की भोजपुरी फिल्म नमक हराम की शूटिंग, देखने को मिलेगा पैराग्लाइडिंग सीन। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।